एक चीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर अकेला ही नहीं हूँ। इस एज का जो अभी तक गाड़ी चलाना नहीं आती है, यहाँ और भी लोग हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैं इस ब्लॉग में बाइक सीखने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझसे बाइक है वो चलानी नहीं आती है। ये थोड़ा सा अजीब ज़रूर है, लेकिन ये सच है। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा बाइक सीखेंगे। तो यहाँ पर पास में ही 4-5 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड है जहाँ पर लोग क्रिकेट खेलने आते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, और लोग अक्सर वहाँ बाइक भी सीखने आते हैं। तो अभी हम चलते हैं उसी वाले ग्राउंड में जो आगे है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उससे बाइक चलानी नहीं आती है, तो मेरे भाई बहुत जल्दी बाइक सीख लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो अभी हम चलते हैं ग्राउंड में और आगे का सीन आपको दिखाते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर एक बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ पर गाड़ी सीखने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। काफ़ी सारा स्पेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट भी खेला जाता है, बहुत बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर। तो यहीं पर हम अब गाड़ी सीखेंगे। और ये है हमारे बाइक टीचर, मेरा छोटा वाला, मेरे बड़े वाले भाई का छोटा वाला लड़का है, भतीजा है मेरा, ये मुझे सिखाएगा। कितनी अजीब सी बात है ना कि मुझे बाइक चलानी नहीं आती और इसे चलानी आती है, ये मुझे सिखाएगा। बट जो भी है, मैंने कभी इस पे गौर नहीं दिया था, बट अब मैंने सोच लिया है कि मुझे सीखनी है। तो इस वाले ग्राउंड में अभी हम सीखते हैं गाड़ी, पूछते हैं इससे क्या क्या करना होता है। प्लीज दबा के गियर दबा के हल्के से ब्रेक छोड़ना। अच्छा, क्लेच कौन सा है इसमें? ये वाला ना, ये वाला है गाइस क्लेच। ठीक है, तो जिन लोगों को बाइक अभी भी चलाना नहीं आती है वो जल्द से जल्द सीख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। मुझे बहुत सारी मुश्किलों को फेस करना पड़ा है, इसीलिए मैं बाइक सीख रहा हूँ, वरना मैंने कभी सोचा नहीं था मतलब मैं बाइक चलाऊंगा। कभी दिल से फील ही नहीं आया कि बाइक सीखो, तो बट अब सीखना ही है, आजकल में सीखना ही सीखना है। तो गाड़ी को अभी अब हम इसके अकॉर्डिंग चलाते हैं जैसा ये बता रहा है। थोड़ा आराम से छोड़िए, आराम से। तो गाइज अब यहाँ पर जो है, यहाँ का ट्रायल हमने ले लिया, अब हम चलते हैं रोडों पे जहाँ पर गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है नए बंदों के लिए। अभी हम वहाँ चलते हैं, रोड पे चलाते हैं, मेन रोड पे देखते हैं क्या रहता है। और एक चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर अकेला ही नहीं हूँ। इस एज का जो अभी तक गाड़ी चलाना नहीं आती है, यहाँ और भी लोग हैं। अभी आपने स्कूटी वाला देखा होगा बंदा, वो भी यहाँ पर सीखने आया था, और यहाँ आप देख सकते हैं वो जो चला रहे हैं वो भी मेरी एज के हैं लगभग। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पर स्कूटी सीखने आए हैं, और मैं उनसे मिला तो वो बोले हाँ मैं भी मतलब चलानी नहीं आती है उन्हें भी। तो अभी अच्छा लगा कि मैं मतलब अच्छा नहीं, वैसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। इतनी टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है, और इस एज पे आ गए हम बाइक सीख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत अलग है। तो अभी हम चलते हैं मेन रोड पर, और हो सकता है कि बाइक मैं ही चलाऊँ मेन रोड पर, और जहाँ शांति का माहौल होगा वहाँ पर मैं ले लूँगा, वरना भीड़ जहाँ ज़्यादा पब्लिक होगी वहाँ इससे चल पाऊँगा। And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
कॉल आ गई है, थोड़ा काम है घर पे। तो बाकी की बाइक है जो वो कल या परसों में सीखते हैं, थोड़ी बहुत सीखे हैं। तो अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। तो होप कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर आप भी, अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बाइक चलानी नहीं आती, तो सबसे पहले बाइक सीख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।